हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट। आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं बल्ब ऑन एंड ऑफ प्रोजेक्ट यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो आप देख सकते हैं हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिख रहा है। सबसे पहले हमारे पास एक टेक्स्ट है जिसमें लिखा है बल्ब ऑफ। तो यार ये बेसिकली चेंज होता रहेगा। जब हम ऑन करेंगे बल्ब को तो ये टेक्स्ट बल्ब ऑन हो जाएगा, जब ऑफ करेंगे तो बल्ब ऑफ। मींस ये टेक्स्ट डायनामिकली चेंज होता रहेगा जावास्क्रिप्ट की मदद से। देन उसके नीचे हमारे पास एक बल्ब है जो कि जब हम क्लिक करेंगे, ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगा, ऑफ करेंगे तो बल्ब ऑफ हो जाएगा। देन उसके नीचे हमने दो बटन क्रिएट किए हैं ऑफ एंड ऑन के, हम जिससे बल्ब को ऑफ और ऑन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो हमारे पास जो बटन है ऑन का, जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूँगा तो जो टेक्स्ट है हमारे पास बल्ब ऑफ का वो भी चेंज हो जाएगा। जैसे ही हम ऑन बटन पर क्लिक करेंगे तो बल्ब ऑन टेक्स्ट आ जाएगा और हमारा जो बल्ब है वो भी ऑन हो जाएगा। तो देखिए जैसे ही मैंने क्लिक किया तो हमारा बल्ब ऑन हो गया और हमारे पास टेक्स्ट भी लिखा आ गया बल्ब ऑन। जब मैं ऑफ करूँगा तो हमारा बल्ब ऑफ हो गया और हमारे पास टेक्स्ट आ गया बल्ब ऑफ। तो कुछ इस तरीके से यार ये हमने प्रोजेक्ट बनाया है जावास्क्रिप्ट की मदद से। ये सभी चीज़ें डायनेमिकली चेंज हो रही है जावास्क्रिप्ट की मदद से। अगर यार आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको इसी तरीके से प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल मिलने वाले हैं। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोडिंग को। हम आ चुके हैं VS Code एडिटर पर और आप देख सकते हैं हमारे पास तीन फाइलें हैं बेसिकली, bulb.html, bulb.css और bulb.js। हमारे पास HTML का बेसिक सिंटैक्स हमने यहाँ पर लिख के रखा है, जिसमें लिंक टैग की मदद से हमने CSS फाइल को अटैच कर लिया है और स्क्रिप्ट टैग की मदद से हमने bulb.js हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल को अटैच कर लिया है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो HTML होने वाली है इस प्रोजेक्ट की वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक ड्यू क्रिएट कर रहा हूँ जिसकी क्लास होगी बेसिकली कंटेनर, उसकी हम क्लास देंगे यहाँ पर। और उसके अंदर हमारे पास क्या होगा H1, क्योंकि H1 आप देख सकते हो हमारे सबसे टॉप पर दिख रहा था, तो उसको मैं लिख देता हूँ H1। और H1 की यहाँ पर क्लास दे देंगे हम बेसिकली हेड करके हमने उसकी क्लास दे दी है। और यहाँ पर मैं लिख दूँगा बेसिकली बल्ब, यहाँ पर हम लिख देंगे बल्ब। और यहाँ पर हम क्या लेंगे, एक स्पैन टैग लेंगे। इस स्पैन टैग की हम आईडी दे देंगे बेसिकली, हम दे देंगे यहाँ पर टेक्स्ट नाम की मैं यहाँ पर स्पैन टैग में आईडी दे दूँगा। इसमें क्या होगा, यहाँ पर ऑन ऑफ चेंज होता रहेगा, जो कि हम जावास्क्रिप्ट की मदद से करने वाले हैं आईडी की हेल्प से। देन हमारे पास क्या होंगे, एक इमेज टैग होगा जिसमें सोर्स अभी हम नहीं देंगे, हम डायनेमिकली जावास्क्रिप्ट की मदद से वहाँ पर सोर्स लगाएंगे। देन अब क्या करेंगे, हम एक और ड्यू क्रिएट करेंगे जिसकी क्लास होगी btn। इसमें हमारे पास दो बटन्स होने वाले हैं, दो बटन होंगे, जहाँ पर एक होगा ऑफ बटन और दूसरा होगा हमारे पास ऑन बटन। तो ये हमारे पास बटन होने वाले हैं ऑन एंड ऑफ के। तो इसे हम आईडी दे देते हैं ऑन और इसे भी मैं आईडी दे देता हूँ ऑफ। तो बेसिकली हमने ये बटन को ऑन एंड ऑफ की आईडी दे दिए। तो बेसिकली ऊपर हमें देना पड़ेगा ऑफ, हमने ऊपर भी ऑन लिख दिया। तो ऊपर हमने ऑन, ऑफ और ऑन दो बटन क्रिएट कर लिए। देखिए मैं इसको सेव करता हूँ और ओपन विथ लाइव सर्वर करके देखते हैं कि हमारा इतना HTML किस तरीके से दिख रहा है, क्योंकि अभी हमने इमेज तो दी नहीं है, इमेज दिखेंगी नहीं हमें। दो बटन दिए हैं, एक H1 में टेक्स्ट दिया है, वो ही हमें दिखने वाला है। तो थोड़ा सा ये टाइम लेता है। देखिए स्टार्ट हो गया हमारा ओपन विथ लाइव सर्वर और आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारा दिख रहा है पूरा। अब हम क्या करते हैं बेसिकली CSS की मदद से, देखिए मैंने यहाँ पर कलर और हमारे फॉन्ट फैमिली कमेंट करके रखा है। यहाँ पर हम बॉडी टैग लेंगे और उस बॉडी टैग के अंदर हम ये गूगल फॉन्ट का जो CSS होती है उसको रख देंगे बेसिकली, यहाँ पर मैं रख दूँगा। और देन अब क्या करेंगे, हमारे पास जो कंटेनर क्लास थी बेसिकली कंटेनर, उसको क्या करेंगे हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देंगे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। इससे क्या होगा, सभी चीज़ें सेंटर में आ जाएगी हमारे पास। और आप देख सकते हो हमारे पास सभी चीज़ें सेंटर में आ चुकी है। देन अब क्या करते हैं, हम जो कंटेनर है, कंटेनर में हमारे पास एक H1 है, उस H1 को हम फॉन्ट साइज़ दे देते हैं कुछ 44 पिक्सल की, हम फॉन्ट साइज़ दे देते हैं।
देन हमारे पास BTN है, BTN है, BTN में हमारे पास बटन है बेसिकली, तो उन बटन को हम विड्थ देते हम 100 एंड विड्थ हम कम ही देते हैं, हम विड्थ बेसिकली 80 पिक्सल और हाइट दे देंगे हम इसको 36 पिक्सल की हाइट दे देंगे और बॉर्डर दे देंगे हम इसको 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ब्लैक कलर की बॉर्डर होगी। देन हम इसका आउटपुट देख लेते हैं, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमारे बटन दिख रहे हैं। तो हमें क्या करना है, इसकी थोड़ी यार विड्थ बढ़ा देते हैं, 120 पिक्सल कर देते हैं और हमें और इंक्रीज़ करना पड़ेगी बेसिकली 200। सॉरी हमने यहाँ पर पिक्सल नहीं लिखा, इसी वजह से हमें दिक्कत आ रही है। तो आप देख सकते हो हमें यहाँ पर विड्थ को कम करना पड़ेगा। ये देखिए हमारे पास बिल्कुल सही आ गए, मैं यहाँ पर बस 60 कर देता हूँ, दैट्स फाइन, ओके। देन हम यहाँ पर इसका टेक्स्ट अलाइन भी सेंटर कर देते हैं और फॉन्ट साइज़ कर देते हैं हम यहाँ पर 22 पिक्सल का। देन यहाँ पर हमारी जो BGC बैकग्राउंड कलर होगा वो अभी हम क्या कर देते हैं, वाइट ही रख देते हैं, क्या सर वाइट ही रख देते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारा फुट दिख रहा है और यहाँ पर मैं मार्जिन इनलाइन लगा दूंगा जिससे क्या होगा कि दोनों बटन के बीच में गैप आ जाएगा। देखिए दोनों के बीच में गैप आ चुका है और देखिए हमने CSS दे दी और HTML दे दी। अब हम बढ़ते हैं JavaScript की तरफ। अब हम क्या करेंगे बेसिकली डॉक्यूमेंट, अब हम बेसिकली टारगेट करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो इमेज है इसको ID दे देंगे हम, इमेज को IMG में ID दे दे रहा हूँ इमेज। और हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID क्या है हमारे पास, IMG है, तो IMG में जो सोर्स है बेसिकली इमेज के अंदर जो सोर्स है, क्योंकि हम इमेज टैग को टारगेट कर रहे हैं, तो उस इमेज टैग के अंदर जो सोर्स है उसके अंदर हम क्या कर देंगे यहाँ पर ऑफ, बेसिकली ऑफ डॉट PNG जो इमेज है उसको अटैच कर देंगे, है ना। हम यहाँ से JavaScript की मदद से इमेज को वहाँ पर डाल रहे हैं, है ना, डायनेमिकली। तो जैसे मैं सेव करूँगा देखिए इमेज हमारे पास आ चुकी है और यहाँ पर हम CSS की मदद से इमेज टैग को थोड़ी विड्थ दे देंगे। इमेज टैग हमारे पास है जिसे हम विड्थ दे देते हैं 200 पिक्सल इज़ थोड़ा बड़ा कर देते हैं 300 पिक्सल, दैट्स फाइन। इसे हम 400 पिक्सल कर देते हैं, 350 पिक्सल इज़ फाइन। और जो बटन है हमारे पास इन्हें भी मैं मार्जिन टॉप से थोड़ा दे देता हूँ 22 पिक्सल, मार्जिन टॉप से हमने बटन को जो हमारे है उनको थोड़ा दे दिया नीचे। अब हम क्या करते हैं बेसिकली बल्ब पर जाएंगे और अब हम क्या चाहते हैं कि हमारे पास दो बेसिकली ऑन क्लिक फंक्शन होंगे, ऑन क्लिक फंक्शन इवेंट होते हैं बेसिकली। अगर यार आपने इवेंट्स ऑन क्लिक फंक्शन के बारे में नहीं पढ़ा है, नहीं आपको आता है, तो हमारी एक JavaScript ट्यूटोरियल की एक पूरी सीरीज़ है, कंप्लीट सीरीज़ है, आप उसको ज़रूर एक बार चेकआउट कर सकते हो, उसमें से आप इवेंट्स वाली वीडियो देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लगाएंगे ऑन क्लिक इवेंट बेसिकली और इसमें लिख दूंगा मैं बेसिकली ऑफ, इसका नेम होगा ऑफ, है ना, ऑफ इसका नेम होगा। और ये जो हमारा सेकंड हो इस पर भी हम लगा देंगे ऑन क्लिक इवेंट, इस पर हम लिखेंगे ऑन, है ना, ऑन लिखेंगे, इस पर हम लिख देते हैं यार बेसिकली BTN ऑन और BTN ऑफ, ये दो हमने ऑन क्लिक फंक्शन बना लिए, BTN ऑफ और BTN ऑन। इसको मैं सेव करता हूँ और इस पर हम आ गए। तो फंक्शन यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे, फंक्शन BTN ऑफ़,
BTN सबसे पहले हम ऑन वाला बनाएंगे। ऑन मतलब हम जैसे ही इस बटन पर क्लिक करें ऑन वाले पर, तो हमारा जो बल्ब है वो ऑन हो जाए, है ना, कुछ इस तरीके से हम चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी में हम फिर से इमेज टैग है उसको टारगेट करेंगे, और हम बोलेंगे इमेज टैग के अंदर जो सोर्स है उसके अंदर हम क्या करेंगे, अब ऑन वाला इमेज है हमारे पास, आप देख सकते हो, मैंने आपको बताया नहीं कि हमारे पास दो इमेज है, ऑन डॉट पी एन जी और ऑफ डॉट पी एन जी बल्ब की, तो हमारे पास दो इमेज है। मैं आपका लिंक इमेजेस का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इजीली चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं क्या चाहता हूं कि जैसे हम बटन ऑन पर क्लिक करें तो वहां पर उस इमेज टैग के अंदर ऑन डॉट पी एन जी मतलब ऑन वाली इमेज चली जाए, है ना, ऑन वाली इमेज चली जाए। देखिए हमने क्या किया, जैसे इस पर मैं क्लिक करूँ तो ऑन वाली इमेज चले आई। देखिए ऑन वाली इमेज हमारे पास आ गई है, बहुत इजीली हमारा ये काम हो चुका है। अब हम क्या चाहते हैं बेसिकली कि डॉक्यूमेंट, अब हम क्या चाहते हैं कि जो टेक्स्ट है वो भी चेंज हो यार, है ना। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी हमारे पास थी उसकी टेक्स्ट, है ना। टेक्स्ट के इनर HTML में हम असाइन कर देंगे क्या, ऑन असाइन कर देंगे ऑन। देखिए तो क्या जो टेक्स्ट है हमारा वो भी डायनेमिकली चेंज होगा, जैसे मैं बटन पर क्लिक करूँगा तो ऑन वाली इमेज आ जाएगी और टेक्स्ट में लिखा आ जाएगा बल्ब ऑन, है ना। देखिए अभी कुछ लिखा नहीं आ रहा है, हमने रिफ्रेश किया, मैं इस बटन पर ऑन किया तो देखिए हमारे पास जो बल्ब है वो भी ऑन हो गया और जो टेक्स्ट है वो भी चेंज हो गया बल्ब ऑन, है ना। तो कुछ इस तरीके से हमारा इतना काम हो चुका है। अब हम क्या चाहते हैं यार कि जब मैं बटन पर ऑफ़ पर क्लिक करूँ, अभी देखिए मैं ऑफ़ बटन पर क्लिक करूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। अब हम क्या चाहते हैं कि जैसे हम बटन ऑफ़ पर क्लिक करें तो जो बल्ब है वो ऑफ़ हो जाए और टेक्स्ट में लिखा आ जाए ऊपर बल्ब ऑफ़, है ना, कुछ इस तरीके से। तो हम यहाँ पर फंक्शन को डिफ़ाइन करेंगे, BTN ऑफ़ फंक्शन को डिफ़ाइन करेंगे और इसे ही मैं कॉपी कर लूँगा। बहुत ईजी और सिंपल है यार, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम ये जो जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट की सीरीज़ आने वाली है वो स्टेप बाय स्टेप आने वाली है, क्योंकि हम पहले बेसिक प्रोजेक्ट करेंगे फिर एडवांस, जिससे यार सभी को ईजी हो सीखने में। तो अब हम क्या चाहते हैं कि जैसे मैं ऑफ वाले बटन पर करूँ क्लिक तो हमारे पास ऑफ वाली इमेज आ जाए, ऑफ वाली इमेज आ जाए और टेक्स्ट में लिखा आ जाए बल्ब ऑफ, बल्ब क्या लिखा जाए ऑफ। कंट्रोल है सेव किया मैंने, देखिए ऑन पर क्लिक किया तो बल्ब ऑन हो गया, टेक्स्ट में लिखा आ गया बल्ब ऑन। जैसे मैंने ऑफ पर क्लिक किया तो देखिए बल्ब ऑफ हो गया और टेक्स्ट में लिखा आ गया बल्ब ऑफ। तो ये यार हमने दोनों ही काम कर लिए। अब हम क्या चाहते हैं यार कि देखिए जब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो बल्ब ऑफ रहता है हमारे पास, बल्ब रिफ्रेश मैंने किया तो बल्ब ऑफ है, तो हमें टेक्स्ट में अभी लिखा आना चाहिए बल्ब ऑफ। तो इसे भी हम कर सकते हैं डायनामिकली, क्या करेंगे हम इसे कॉपी करेंगे और आपको क्या करना है यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ये अभी इस पर कोई हमने ऑन क्लिक नहीं लगाया तो ये अप्लाई होएगा, ये डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा। तो देखिए अभी क्या लिखा आएगा हमारे पास ऑफ़, क्योंकि अभी हमने कोई बटन, अभी ना हमने ऑन वाला बटन क्लिक किया ना ऑफ़ वाला, अभी जो हमने लिखा है जावास्क्रिप्ट में वो अप्लाई होगा, तो अभी जो इनर HTML है उसके अंदर ऑफ लिखा आ जाएगा हमारे पास। तो देखिए हम यहाँ पर चलते हैं और आप देखिए अभी लिखा आ रहा है बल्ब ऑफ, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ऑन लिखाएगा, जब मैं इस पर ऑफ पर क्लिक करूँगा तो ऑफ लिखाएगा। अब हम क्या करते हैं कि थोड़ा हमें चेंजेस करना होगा बटन के CSS में भी। अभी देखिए हमें पता ही नहीं चल रहा कि हमने, जैसे हम बटन पर कि हमने ऑन वाले पर क्लिक किया, हमको ये तो समझ में आ रहा है कि बल्ब ऑन हो गया, लेकिन बटन पर अभी कुछ पता नहीं चल रहा। तो हम ऐसा चाहते कि जब मैं क्लिक करूँ जिस बटन पर तो उसके ऊपर होवर रहे, उसके ऊपर टारगेट रहे बेसिकली, है ना। तो हम क्या चाहते हैं, मैं इसको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी हमारे पास है ऑन, हमारे पास ऑन नाम से आईडी है बटन की। तो मैं क्या चाहता हूँ, जैसे मैं बटन ऑन पर क्लिक करूँ तो हम उसके ऊपर क्या दे देंगे स्टाइल, तो हम दे देंगे डॉट
स्टाइल डॉट बी जी सी बैकग्राउंड कलर, उसके अंदर हम क्या दे रहे हैं, बैकग्राउंड कलर दे देंगे। और वो बैकग्राउंड कलर देखिए मैंने यहाँ पर लिख के रखा है, ये हमारा बैकग्राउंड कलर है, ये बेसिकली येल्लो कलर है। आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने इसको पहले ही एडजस्ट कर लिया था। तो ये कलर आ जाए हमारे पास और मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। और अब हम क्या चाहते हैं यहाँ पर बेसिकली कि जैसे हम बटन पर क्लिक करें तो ऑन वाले में स्टाइल डॉट कलर, मतलब जो उसका कलर है वो वाइट हो जाए, कलर मीन्स जो टेक्स्ट है उसके अंदर वो वाइट कलर का हो जाए और बैकग्राउंड येल्लो का। तो मैं इसको सेव करता हूँ और देखिए जैसे मैं ऑन पर क्लिक करूँगा ना तो बैकग्राउंड कलर आ जाएगा येल्लो का और जो टेक्स्ट होगा वो वाइट हो जाएगा। ये देखिए येल्लो कलर आ गया बैकग्राउंड में और टेक्स्ट वाइट हो गया। तो अभी हमें पता चल रहा है कि हमने यार ऑन वाले बटन पर क्लिक किए, अभी हमें पता चल रहा है। अभी देखिए मैं ऑफ पर कर रहा हूँ तो बल्ब ऑफ हो जा रहा है, टेक्स्ट बदल जा रहा है, लेकिन ये बटन का कलर नहीं चेंज हो रहा है और ये बटन का कलर हट नहीं रहा है। तो हमें ये भी करना है। तो अब हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पर जाएंगे और इन दोनों को मैं कॉपी कर लूँगा और बटन ऑफ पर इसे पेस्ट कर दूँगा। तो जैसे ही हम बटन ऑफ पर क्लिक करें तो मैं आईडी चेंज कर दूँगा ऑफ, तो उसका भी बैकग्राउंड कलर येल्लो हो जाए और जो ऑफ है उसका जो कलर है वो भी वाइट हो जाए, है ना, हम ये चाहते हैं। लेकिन हम ये भी चाहते हैं साथ में कि जैसे हम बटन ऑफ पर क्लिक करें, जैसे हम बटन ऑफ पर क्लिक करें तो जो ऑन हमारी आईडी है, ऑन वाली जो आईडी है बटन की, उनका कलर वाइट हो जाए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, जब मैं बटन ऑफ पर क्लिक करूँ तो हमारा ऑन जो ऑन के ऊपर कलर था बैकग्राउंड कलर वो वाइट हो जाए, है ना, हम ये चाहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देंगे, वाइट दे देंगे और जो टेक्स्ट का कलर है वो ब्लैक हो जाए। देखिए सेव किया मैंने, हम चलते हैं इस पर। पहले क्या हो रहा था यार, देखिए जैसे मैं ऑन पर क्लिक करूँगा बिल्कुल हमारा सही आ रहा है। पहले क्या हो रहा था, जैसे मैं ऑफ पर क्लिक कर रहा था तो यहाँ पर कुछ आ भी नहीं रहा था पहली बात तो, और ये यहाँ से बैकग्राउंड हट भी नहीं रहा था। लेकिन अब क्या होगा, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर भी आ रहा है और यहाँ से बैकग्राउंड कलर हट भी रहा है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर देखिए इस पर लगा दिया है कि जैसे हम ऑफ पर क्लिक करें तो ऑन का बैकग्राउंड कलर वाइट हो जाए। अब हम ये कुछ इसको ही ऑन पर भी अप्लाई करेंगे। जब हम ऑन पर क्लिक करें तो ऑफ का जो कलर है वाइट हो जाए। यहाँ पर मैं आईडी चेंज कर दे रहा हूँ, बस देखिए यहाँ पर इसको हमने रिफ्रेश किया, जब मैंने ऑन पर क्लिक किया तो ऑन बैकग्राउंड कलर आ गया, ऑफ पर क्लिक किया तो बैकग्राउंड कलर आ गया वाइट, और इस पर क्लिक किया तो देखिए ऑन। तो कुछ इस तरीके से हमें पता चल रहा है कि अभी बटन ऑफ पर क्लिक किया हुआ है, बटन ऑन पर क्लिक किया और कुछ इस तरीके से हमें पता चल रहा है। अब हम जैसे रिफ्रेश कर रहे थे और दोनों ही वाइट हो जा रहे। अब हम ये चाहते कि बल्ब जैसे ऑफ है तो इस पर होना चाहिए बैकग्राउंड कलर, है ना। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली इसको कॉपी कर लेंगे, ऑफ वाले को हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर हम बाहर पेस्ट कर देंगे। इससे क्या होगा कि ये अप्लाई होगा, ये अभी अप्लाई होगा डायरेक्ट, अभी हमने कोई बटन क्लिक नहीं किया है तो ये डायरेक्ट अप्लाई होगा। तो आप देख सकते हो कि अभी हमारा बल्ब कैसा है, ऑफ है, तो टेक्स्ट भी आ रहा है ऑफ, बल्ब भी ऑफ दिख रहा है और बटन भी आ रहा है कि अभी ऑफ है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ऑन आ गया, ऑफ आ गया। तो आप देख सकते हो यार हमने कंप्लीट बल्ब ऑन एंड ऑफ का प्रोजेक्ट बना लिया है, कंप्लीट प्रोजेक्ट हमने क्रिएट कर लिया है। तो कुछ इस तरीके से यार हमने प्रोजेक्ट को बनाया और आई होप आप लोग यार ये प्रोजेक्ट में मज़ा आया होगा और आपने इस प्रोजेक्ट को सीखा होगा। अगर यार आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को यार लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और यार अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग यार, थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।